हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऐसे टेस्टी और एकदम अलग तरीके से ढोकले जो घंटों में बनने वाले मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से अगर एक बार आपने ढोकले बना लिए तो पूरी सर्दी में ऐसे ही ढोकले आप बनाना चाहोगे। तो चलिए इन ढोकलों को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ढोकले बनाने के लिए कोई भी कप या जो नॉर्मल कप होता है या कटोरी के माप से ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी के नाप से ही आटा लिया है। मक्के का आटे को हमने पहले ही छान लिया था, तो इसे हम डाल देंगे एक परात में। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे यहाँ पे छिलके वाली मूंग की दाल, आधा चम्मच डालेंगे नमक, एक चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल, एक प्याज को हमने बारीक काट लिया था इसे भी डाल देंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है इसे भी डालेंगे। यहाँ पे हमने मटर के दाने लिए थे उसको हमने दरदरा कर लिया था इसे भी डाल देंगे। इससे ढोकले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मेथी लेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, एक चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हो। एक चम्मच डालेंगे पापड़ खार का, तो इसे हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे, यह आसानी से बारीक हो जाता है। दो चम्मच डालेंगे तेल। आटे की क्वांटिटी हमने कम रखी है, आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो जब भी आप ढोकले बनाएं या फिर मक्की की जो रोटी बनाते हो उसे गुनगुने पानी से ही बनाना चाहिए। अब यहाँ पे हल्का सा जो गर्म पानी है उसको हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक डो तैयार करेंगे। मक्के का आटा बहुत ही मोटा और बिखरा रहता है, वह ठंडे पानी से पकड़ नहीं करता है, इसीलिए हमें गुनगुना पानी ही इसमें डालना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने बहुत तरीके से ढोकले बनाकर तैयार किए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा। पानी को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और इस तरीके से हमें इसे मसलना है ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखिए, इस तरीके से हमने आटा लगा लिया है, इसे ढक कर रख देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब बर्तन को हम हटा लेंगे और थोड़ा सा हाथों में डो ले लेंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए गोल गोल इसके ढोकले बनाकर तैयार करेंगे। बीच में इसके होल कर देंगे, इससे क्या होता है कि ये आसानी से पक जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने एक ढोकला बना लिया है। इसी तरीके से दूसरा भी ढोकला हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ढोकला बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रखिए, उससे उसका टेस्ट बहुत ही बढ़कर आता है। तो ये देखिए, हमने सारे ढोकले इस तरीके से बना लिए हैं। अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो आज हम ढोकले को कुकर के अंदर पकाएंगे, इससे ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पे कोई भी प्लेट रख सकते हो। इसके अंदर डालेंगे एक गिलास पानी। अगर आपके पास इस तरीके की जाली का बर्तन हो या फिर कोई भी प्लेट हो इस तरीके की जो कुकर में आसानी से आ जाए, तो उसको इसके ऊपर रख दीजिए। तो यहाँ पे इस प्लेट को हमने रखा था, तो इसके अंदर ये नहीं आ रही है, तो इससे छोटी हमने जो प्लेट थी उसको रख दिया है, यह आसानी से इसके अंदर आ गई है। अगर आप चाहें तो प्लेट को तेल से ग्रीस कर सकते हो, या फिर इस तरीके से जो हमने धनिया डालकर उसके ऊपर रखा है ऐसे आप रख सकते हो। तो आप इस तरीके से इसको स्किप कर सकते हो या तेल से ग्रीस कर सकते हो। तो ऐसे रखने से जो ढोकले का फ्लेवर आएगा बहुत ही बढ़िया आता है, इसीलिए हमने इसके नीचे धनिया रखा है और इसके ऊपर रख देंगे हम ढोकले। तो ये सारे ढोकले को हमने अच्छी तरीके से इसके ऊपर सेट कर लिया है। अब कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और लो फ्लेम में जब तक तीन सीटी नहीं आती हैं तब तक हम इसे पकाएंगे। इस तरीके से पकाने से ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। और वैसे हम कढ़ाई में पकाते हैं तो
तो उसमें लगभग 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। तो कुकर में बनाना बहुत ही आसान होता है। पूरी 3 सीटी लगने के बाद और पूरा प्रेशर ख़त्म होने के बाद ही इसका ढक्कन खोले। तो कुकर के ढक्कन को हम खोल लेंगे। अगर 3 सीटी में ढोकले नहीं बनते हैं तो आप 1 या 2 सीटी और लगा लीजिए। तो इसे चेक करने के लिए यहाँ पे हमने चाकू डाला है। ये चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी ये ढोकले बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। या फिर थोड़े से ढोकले को आप खा कर देखिए, अगर वह गले में नहीं चिपक रहे हैं तो बिल्कुल वह ढोकले पक चुके हैं। तो ये देखिए, हमने इसे अलग प्लेट में सर्व कर लिया है और इसके ऊपर डालेंगे हम तिल्ली का तेल। आप चाहें तो इसे घी से भी खा सकते हो, पर ढोकले को आप तिल के तेल से ही खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इन सर्दियों में आप कुकर में एक बार ढोकले ज़रूर बनाइए और सर्दियों में गरम गरम ढोकले को तिल के तेल के साथ खाइए।